कामयाबी के किस्से की है ये खान, ज़ेबियस ग्रुप की है ये आन बान और शान। कंप्यूटर के रोम की तरह है इनकी मेमोरी, तो आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी सक्सेस की स्टोरी। So put your hands together. दूसरा वो शख्स जिसने जिस दिन से मैंने ईबिज स्टार्ट किया है, आज ईबिज में मुझे जो कुछ भी आता है, चाहे वो इनविटेशन हो या प्रेजेंटेशन हो या फिर फॉलोअप हो, हर एक चीज में जिसने मुझे सब कुछ सिखाया, आज जीरो से उठाकर इस लेवल तक पहुंचाया है वो हिज नदर ब्रांड। हम जब क्रिएटर ऑफ जेपीएस ग्रुप मिस्टर नितेश बुरालिया सर, मेरे सक्सेस का क्या फॉर्मूला रहा है, मेरे सक्सेस में जिस दो चीजों ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है, मैं वो चीजें आज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। दो ही चीजें रही हैं, पहली चीज रही है ईबिज सिस्टम एंड दूसरी चीज रही है कंसिस्टेंसी। ईबिज सिस्टम जो ये सिस्टम है ईबिज का, ये हमारे आपके किसी अप्लाई ने नहीं बनाया है, ये जो ईबिज का सिस्टम है ये खुद मलन सर ने बनाया है। जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो मलन सर की टीचिंग टेन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। जब आप ज्वाइन करते हो आपका जो पैकेज आता है उस पैकेज में जो किट आती है, जो आपका प्रोस्पेक्टस आता है, उस प्रोस्पेक्टस में कैसे इनविटेशन कैसे प्रेजेंटेशन देना है ये भी सिखाया गया है। उस प्रोस्पेक्टस में कैसे आपको कोर ग्रुप बनाना है ये भी सिखाया गया है। उस प्रोस्पेक्टस में विनर्स और लूजर्स के बीच में कैसे डिफरेंस है वो भी बताया गया है। अगर मैं आपको इस चीज के दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उस किट को आप सीरियसली पढ़ो, अगर पूरा पढ़ते हो, तो इस चीज की गारंटी है कि गोल्फ तो बहुत आसानी से आप बन सकते हो। हम में से पीपल जो लोग ज्वाइन करते हैं, कोई भी इंसान ईबिज को नहीं ज्वाइन करता, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, लोग आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये कॉन्फिडेंस आता कहां से। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो डरते हैं, जो बोलते हैं कि सर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं उसे सब कुछ जानता है ईबिज के बारे में, उसे तो ईबिज के बारे में सब पता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो दिमाग होता है उसमें दो ही चीजें रह सकती हैं, एक तो डर, दूसरा विश्वास। और आपका डर तभी दूर होगा जब आप अपने सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, और जब आप अपने पैकेज को लेकर, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका पैकेज है, उसको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप अपने प्रोडक्ट के 100% यूजर होंगे। मैं ईबिज को बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाता था, उसका रीजन था कि मैं अपने पैकेज को
बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ता था, मुझे पता था कि कैसे मुझे प्रोडक्ट यूज करने हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी यूटिलिटीज हैं, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता थी। जब मैं इन्विटेशन कैसे करता था, मैं जाके अपने दोस्त से पूछता था कि भाई अच्छा तुझे अच्छा एक बात बता, अगर तू कहीं लाइन में लगा है एटीएम में पैसे निकालने के लिए और सोच कि तुझे ऐसा उस टाइप पे फील होता है कि तेरे पीछे वाला जो दोस्त है तुम्हारा वो कहीं चोर तो नहीं है, तेरे पीछे वाला जो इंसान हो कहीं चोर तो नहीं है, उस टाइम पे तू क्या करेगा। लोग कुछ नहीं बोल पाते थे मैं उस टाइम पे उन्हें, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता था कि पीछे जो हम अपना एटीएम का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछ लेता था कि अच्छा तुझे वो बता, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हुआ करते थे जो बोलते थे कि मुझे कंप्यूटर का सब कुछ आता है, मैं उनसे पूछता था अगर तुम्हें कंप्यूटर का सब कुछ पता है तो तू कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता दे, और वो कुछ नहीं बोल पाते थे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बोलते थे कि मुझे सी सब आती है, मैंने उनसे बोला कि एक काम कर, ये मेरा ईबिस का क्विज है इसे क्लियर करके दिखा दे, और वो कुछ नहीं क्लियर कर पाते थे, सारा पानी वही हो जाता था उनका। ये सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर आप अपने पैकेज को लेकर बहुत ज्यादा यूजर हो, 100% यूजर हो गए, और आपका 100% यूजर मतलब होता क्या है कि आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कोर्सेज कैसे खोलने हैं, हायर सेलर कैसे देखते हैं, वेबसाइट आपकी वेबसाइट पूरे बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ईबिज का सिस्टम का जो दूसरा पॉइंट है अटेंड एवरीथिंग, अटेंड बहुत सारे लोग, जब हमने ठान ही लिया है कि हमें सब कुछ बहुत अच्छे से कामयाब होना है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि सर हमें ईबिज में सब चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, हमें बहुत अच्छे मुकाम पे चाहिए, ईबिज की मीटिंग में आएंगे, टेस्टिमनी सुन के जाएंगे, बोलेंगे मुझे सर बाइक भी चाहिए, मुझे सरकार भी चाहिए, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। जब उनसे उनकी अपलाइन बोलती है कि 2 घंटे का वर्कशॉप है तो बोलते हैं कि हम उसमें नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमें काम है, लेकिन सब कुछ चाहिए। मैं जिस दिन से मुझे पता चला था, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और मैंने बोला सर मुझे कामयाबी चाहिए, चाहिए तो चाहिए कामयाबी, मैंने उसके बाद काम करना। थर्ड पॉइंट जो हमारा ईबिज का है, अपलाइन काउंसलिंग। जब हम काम करने मैदान में उतरते हैं तो बहुत सारे हमसे निगेटिव लोग भी मिलते हैं, हमारे मन में निगेटिविटी भी आती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आती है। अगर सिंपल सी बात है कि अगर आप कोयले की खान में जाओगे तो कालिक तो लगेगी, मैं क्या करता था, बहुत सारे लोग उस कालिक से होते क्या है अपना नीचे उतरने में अपना बना लेते हैं, जबकि मैं क्या किया करता था, जब मुझे बहुत सारे दोस्त मेरे निगेटिव क्या करते थे, मैं उस टाइम पे क्या करता था अपलाइन के पास जाता था और अपलाइन के शोर में स्नान कर लिया करता था और मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाते करते थे, क्योंकि मुझे पता था कि हमें साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। आगे जो थर्ड अगला पॉइंट है जो हमारा कि रेगुलर एक्टिविटी, बहुत सारे लोग होते हैं कन्वेंशन में आते हैं यहाँ से मोटिवेट होते हैं, बोलते हैं सर बस अब तो उड़ाना है, अब तो बस उड़ाना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक तैराक हो, 3 तैराक होते हैं वो किसी पानी के किनारे पे जाके खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मुझे बस अब तो, उसमें से एक तैराक होता है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसमें से एक तैराक होता है और वह सोच लेता है कि कुछ भी हो जाए तो मुझे पानी में तैरना है, तो आप बताओ कि वहां पे कितने ऐसे लोग होते हैं जो पानी के किनारे खड़े रह जाते हैं? 2-3 तब भी रह जाते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ सोचा है, सोचने से कुछ नहीं होगा। यहाँ भी बैठे बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं, यहाँ पे भी बैठे बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं कि अब यहाँ से जाएंगे बहुत कुछ उड़ा के रख देंगे, सोचने से उड़ेगा नहीं, माइग्रेशन सिर्फ करने से होगा, सोचने से सिर्फ शुरुआत होती है, सोचने से सिर्फ शुरुआत होती है। मैंने कहा यहाँ से बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे, जो यहाँ से ठान भी जाएंगे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं सारी मेहनत करूंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। वही लोग कामयाब होंगे जो यहाँ से ठान के जाएंगे और बाहर जाके मेहनत करेंगे। आप लोग कितने, मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यहाँ पे बैठे कितने लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ से एक वादा लेके जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम मेहनत करेंगे लेकिन कामयाब जरूर होंगे। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, शानदार राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। यहाँ पर कुछ बहुत टेस्टी सी यम्मी सी स्मेल आ रही है, आपको भी आ रही है?